अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसमें हमने देखा था अब इसके जब हमने स्टेटमेंट के मुतालिक हमने देखा तो हमने देखा था कि हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कोई दो बॉडीज़ हैं तो वो क्या करती हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं, फोर्सेज लगाती हैं। ठीक है, उसके लिए हमने जो हमारे पास रिलेशन निकला था वो होता है फिजिकल जी एम वन एम टू ओवर डी का स्केयर। ठीक है, आज हमने देखना है भी इस न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका और जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एक यानी ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। जिस तरह हमने कल देखा था कि ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक हमारे पास ये आ गया, ये हमने ले लिया एम वन, और एक ये दूसरी बॉडी आ गई, ये हमने ले ली एम टू। तो हमें पता है जब ये दो बॉडीज़ एक दूसरे के नज़दीक पड़ी हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये एम वन एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, एम टू के ऊपर, और बिल्कुल इसी तरह जो एम टू है वो भी क्या लगाता है, एम वन के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, ये अब अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो अगर हम उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी वो कहता है कि हर एक रिएक्शन का लाजमी तौर पर क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। अब अगर सर यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो यानी ये देखें, अब एम वन क्या लगा रहा है, एम टू को के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है एफ। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ हम ये जो एम वन है इसको मैं कह देता हूँ ये हमारा, यानी जो एम वन एम टू के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये हमारे पास क्या है, अगर ये है एक्शन की फोर्स। ठीक है, तो इस एक्शन के फोर्स के नतीजे में ये जो एम टू है ये भी एम वन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे वो कौन सी फोर्स है, वो है रिएक्शन की फोर्स। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पे देखें तो इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के क्या है, सेम है। यानी जित फर्ज के अगर ये 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो ये भी क्या लगाएगा, 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट डिफरेंस क्या है, भी इनकी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी लेकिन इन ये डायरेक्शन में ये फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट होंगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक के साथ माइनस साइन। भी ये क्या है, ये दोनों फोर्सेज सेम है मैग्नीट्यूड में, दोनों सेम है लेकिन इन दोनों की चूँकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इस तरीके से हम इनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और न्यूटन थर्ड लॉ ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। भी इसी से रेलेवेंट हमारे पास बुक के अंदर एग्जांपल 5.1 पढ़े हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें जस्ट यही वाला आपने फार्मूला पुट करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको मैसेज भी दिए गए हैं और जो इन बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है, जस्ट आपने ये फार्मूला पुट करके वैल्यू इसको फाइंड आउट करना है। तो आपको इस चीज़ के लिए जी की वैल्यू का पता होना चाहिए और जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जस्ट आपने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपने क्या निकाल लेने, आंसर निकाल लेना। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो देखना है इसी में जो सब टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, और यहाँ पे हम ग्रेविटेशन फील्ड किसकी डिस्कस करेंगे, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो कहता है भी अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, लेट्स से ये हमारे पास आ गई है अर्थ। ठीक है, और ये मैं कह देता हूँ ये हमारे पास है अर्थ का सेंटर। तो यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक मैंने जिसम ले लिया, एक बॉडी ले ली, उसको मैं डॉट करता हूँ स्मॉल एम से। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास बनती है, यानी ये एम और ये जो सेंटर है सेंटर ऑफ अर्थ, इनके दरमियान जो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस बनती है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ आर से। ठीक है, और हमारे पास जो मैस ऑफ द अर्थ है उसको डिनोट कर दिया है मैंने स्मॉल कैपिटल एम और साथ में लिख दिया, यानी ये हमारे पास है मैस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर इनके लिए मैं ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखना चाहूँ तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास होगा एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्केयर। ठीक है,
अब ये देखें यहाँ पे, ये एम क्या है, ये मास ऑफ द बॉडी, एम ई क्या है मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से मैंने इसके लिए ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिख लिया। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम वेट की बात करते हैं, हमने कल भी देखा था, उससे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, जो हमारे पास वेट होता है वो दरअसल क्या है, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है। ठीक है, यानी अगर हम ये एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, तो उसका जो वेट दरअसल किसकी वजह से है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल जो उसके ऊपर जितने भी लग रही है। ठीक है, और दूसरा आप देखें वो क्या कर रही है, जो हमारी अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स के साथ खींच रही है। यानी अगर हम देखें इस ऑब्जेक्ट को अगर बात करें, तो ये जो हमारे अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट को किसी न किसी फोर्स के साथ अपनी जानब खींच रहे हो, वो फोर्स हमारे पास कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स का हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा जो बात आपने यहाँ पे याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन सी है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, अब देखें अगर हम देखें एक बॉल को लेते हैं, अगर हम उसे ऊपर के जाने फेंकते हैं, ठीक है, तो जब वो ऊपर जा रही होती है बॉल, यानी जब हाइट में ऊपर की जानब जा रही होती है, ऐसे ऊपर की जानब जा रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। लेकिन फिर जैसे जब वो दोबारा ज़मीन की जानब आ रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता है, इजाफा होता है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ होती है। अब देखें, अब ज़रा किसी को देखें, जब ऊपर जा रही थी तब क्या हो रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज, जब नीचे आ रही थी वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज। अब देखें फोर्स तो इस के ऊपर लग रही है, ऊपर जाने के लिए वो उसकी फोर्स लग रही थी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम। नीचे जाने वाले फोर्स लग रही थी, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट, यानी नॉन कॉन्टैक्ट मतलब ये बज़ाहिर उस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। यानी कैसे, देखें अगर हमने एक गाड़ी को धक्का लगाना है, तो धक्का लगाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, उसके साथ हमें कोई कॉन्टैक्ट होगा गाड़ी के साथ, तभी गाड़ी को क्या लग सकेगा, धक्का लग सकेगा। तो जब तक हमारा बॉडी का, यानी जो जो शख्स उसको धक्का लगा रहा है, उसका उस गाड़ी के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक गाड़ी मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स है, वो कांटेक्ट। लेकिन ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, और इस तरह की फोर्स को फिर हम नाम देते हैं फील्ड फोर्स का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, यानी बेशक वो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, तो उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और उसको हम फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के, ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी अर्थ है, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तमाम डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, यानी हर डायरेक्शन में जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। यानी हर डायरेक्शन में एक्ट करने का मतलब क्या है, वो तमाम डायरेक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या फिर खींचती है। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से हमारी जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या है, डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो हमारे पास जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ये ज़मीन का सरफेस है, इसके नज़दीक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं ज़मीन से, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाती है, वो हमारे पास वीक होती जाती है या फिर कमज़ोर। अब इसके आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक लाइट बल्ब है, उसके जब हम नज़दीक होते हैं तो रोशनी क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, तो उसकी जो लाइट या रोशनी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस तरह ज़मीन की ग्रेविटेशन फील्ड भी जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो क्या होती जाएगी, वीकर, और जैसे हम यहाँ पे नज़दीक होंगे ये ज़मीन का जो ये सेंटर सरफेस के साथ साथ ये वाली जो जगह है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी अब ये देखें मखसूस रीजन तक होती है हर एक चीज़ की, जो हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें, जिस तरह अब हम अर्थ की बात करें, तो एक मखसूस रीजन तक ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो इस ज़मीन की इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर
पर यूनिट मास के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेशन मेंशन भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको कैसे करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास के ऊपर जितनी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा चार्ट लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, यानी एक यूनिट मास के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है या फिर लग रही होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ज़मीन का जो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके नज़दीक किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, जी के वैल्यू के बराबर होती है उस पॉइंट के ऊपर। यानी यहाँ पे जी कौन सा है, यहाँ पर हम ये स्मॉल जी की बात करते हैं। ठीक है, और इसका हमें पता है भी जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं या फिर आप कहने ज़मीन के सेंटर से दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक ज़मीन का जो सरफेस है सेंटर है उसके नज़दीक आते हैं तो इसकी जी की वैल्यू के अंदर क्या होता है, इनक्रीज़ होती है। अब ये छोटा जी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन भी कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले जी की तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो ज़मीन का जो सरफेस है उसके नज़दीक जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। यानी ज़मीन का जो सेंटर है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी ज़मीन का जो सरफेस है उसके नज़दीक जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो हमारे पास टॉपिक थे, ये पहले उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रेलिवेंट थे। बहुत चीज़ें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं यहाँ से, डेफिनेशन के लिए आपसे जस्ट पूछा जाएगा, ये आपने देखनी है और फिर उनको आपने समझना है।